हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एकता एंड माय यूट्यूब चैनल इज स्टडी विद मी। सो आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस, इसका सेकंड वीडियो। ओके, फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, सॉल्यूशन क्या होते हैं, सभी बेसिक बातें की थी। आज हम देखेंगे वेपर प्रेशर, बहुत ही सिंपल है, अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो वेपर प्रेशर को हम VP से डिनोट कर देते हैं। तो देखो, वेपर प्रेशर को समझने से पहले आपको समझना होगा एवेपोरेशन क्या होता है, ठीक है। एवेपोरेशन, देखिए मैं यहाँ पे एक लिक्विड ले रही हूँ, किसी कंटेनर में मैंने क्या ले लिया, एक लिक्विड लिया है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी लिक्विड है मान लीजिए, तो ये इसकी सरफेस है, ठीक है। सरफेस पे कुछ इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी लिक्विड है, जो भी कंपोनेंट है, ठीक है। इसके कुछ क्या है, मैं इसको मान रही हूँ 1, ठीक है। हमारे पास कोई लिक्विड है जो कि मैं क्या नाम दे रही हूँ उसको, 1, ओके। तो ये इसके मॉलिक्यूल्स है, ये सरफेस मॉलिक्यूल है, और जो आपको पता है जो अंदर होते हैं सरफेस से, जो नीचे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बल्क मॉलिक्यूल, ओके। ये क्या है, बल्क मॉलिक्यूल, और ये क्या है, ये सभी सरफेस मॉलिक्यूल। इतना आप सबको पता है, ओके। तो देखिए एक बात अब ध्यान से समझ लीजिए कि सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन नहीं पता, चलो मैं बताती हूँ। देखो ये जो अंदर की साइड में जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल हैं, तो इनको अब देखो मॉलिक्यूल के बीच में भी क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कोई भी लिक्विड है उसके सभी मॉलिक्यूल साथ साथ क्यों हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो अगर मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इधर से भी मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, इस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसको भी इसी तरीके से यहाँ से भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस कर रहा है, इधर से भी एंड इस तरीके से, ये हर तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है ये अंदर वाले मॉलिक्यूल्स। अब आप देखो ये जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो देखिए, इनके ऊपर सिर्फ नीचे की साइड से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई लिक्विड के मॉलिक्यूल ही नहीं है, ओके। तो ये सिर्फ नीचे की साइड से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करेंगे। तो अब आप एक बात बताइए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज़्यादा होगा, किन मॉलिक्यूल्स के बीच और किन के बीच कम होगा। तो आपको पता है सरफेस पे जो है उनके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, याद रख लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि सरफेस मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस सरफेस मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन कंपैरिजन टू बल्क मॉलिक्यूल, ओके, एंड दे हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, हायर होती है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी हायर कैसे होती है वो मैं बताती हूँ। ये जो मॉलिक्यूल है ये सरफेस के ऊपर क्यों है, ये नीचे क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी जिसकी ज़्यादा होती है तो उसके अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम हो जाता है। देखो जैसे टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं सरफेस वाले वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करते हुए क्या आ जाएंगे, ये सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। तो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हायर होती है, ओके, ये दो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्या होगा कि जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल हैं, आपको पता है कि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे, एवेपोरेट
कर जाएंगे, ठीक है, मतलब ये अनदर फेज में चले जाएंगे, वेपर फेज में चले जाएंगे, ठीक है, क्या बना लेंगे, गैसेस फॉर्म में ये चले जाएंगे, ठीक है, तो जिसको क्या बोलते हैं, वेपर, ठीक है, वेपर में ये चले जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, जब क्या होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखो, आप नॉर्मली अगर आप सोचते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, आपके घर में आपने देखा है, तो वो क्या कभी भी एक जगह पर रुक के बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, क्यों नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो एक जगह पर टिक के नहीं बैठ सकता, वो इधर उधर घूमता रहता है। तो इसी तरीके से क्या होते हैं, सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो ये एक जगह नहीं रुकेंगे, ये तुरंत क्या करेंगे, अपनी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चले जाएंगे। ओके, तो ये होता है एवेपोरेशन। क्या है, एवेपोरेशन, एवेपो, ओके, एवेपोरेट हो गए हैं मॉलिक्यूल। अब आपको पता है कि ये जो कंटेनर है जो हमने लिया है, ये क्या है, ओपन है, ऊपर से इसके ऊपर कोई लिड नहीं है, ये क्लोज कंटेनर नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल हैं जो एवेपोरेट हुए हैं, जो वेपर फेज में गए हैं, जो गैसियस फॉर्म में गए हैं, वो क्या हो जाएंगे, एस्केप आउट, ओके, कि ये यहाँ से निकल जाएंगे बाहर, ठीक है, बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है उसकी जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू evaporation, weight of liquid increases. Okay, जैसे ही क्या होगा, evaporate होंगे तो इनका जो weight है वो कम हो जाएगा, क्योंकि evaporation से जो molecule है वो बाहर निकलते रहते हैं, किस form में, vapor form में, okay, gaseous form में, तो ये होता है evaporation। तो देखिए, ये क्या है, ये कोई प्योर कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी लिक्विड है, इसको मैं क्या बोल रही हूँ, प्योर लिक्विड या फिर प्योर सॉल्यूशन ऑफ वन, ठीक है, इसका प्योर सॉल्यूशन है ये। अब हम बात करते हैं जब कोई कंटेनर क्या है, हमारे पास क्लोज कंटेनर है, तो अब हम देखते हैं क्लोज कंटेनर में, देखिए मान लीजिए क्या है, मेरे पास एक क्लोज्ड कंटेनर है इस तरीके से, इसमें क्या है, कोई लिक्विड है सेम इसी तरीके से, और ये यहाँ पे क्या है, सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अब आप बताइए कि इसमें जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये क्या है, क्लोज्ड कंटेनर, तो इसमें जब हम क्या करेंगे, हीट को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो ये लिक्विड भी क्या करते हैं, इनमें भी एवेपोरेशन होता है, ठीक है, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये भी सरफेस वाले मॉलिक्यूल एवेपोरेट होंगे, लेकिन ये जो है कंटेनर क्या है, क्लोज है, तो क्या हो जाएगा, क्या ये इससे बाहर निकलेंगे, क्या जो ये लिक्विड का वेट है वो कम होगा, ठीक है, तो देखिए ये जो कंटेनर है आपको पता है ये क्लोज है, तो इवेपोरेट तो होगा, मतलब लिक्विड से वेपर तो बनेंगी, ठीक है, वेपर तो बन जाएगी, लेकिन क्या होगा, ये वेपर इस कंटेनर से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएंगे, तो जो इस लिक्विड का जो वेट है वो डिक्रीज नहीं होगा। तो देखिए क्या होता है कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन तो होता है, ठीक है, लिक्विड टू गैसेस स्टेट में ये मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, आपने भी एक नॉर्मल सा एग्जांपल अपने घर में ही देखा होगा कि जब भी कोई पानी गर्म करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, पानी गर्म करते हैं, उसके ऊपर कुछ लिड लगा देते हैं, गर्म करने के बाद जैसे वो बॉयल होने लग जाता है उसके ऊपर लिड लगा देते हैं, ठीक है, तो क्या देखते हो कि जब आप उस लिड को हटा के देखते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारी ड्रॉप्स होती हैं,
उस जो भी लिड है उसके ऊपर भी क्या है, ड्रॉप्स हैं, एंड जो उसके किनारे हैं, जो कंटेनर के किनारे हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे वाटर की ड्रॉप्स इस तरीके से दिखाई देती हैं आपको। तो क्या होता है उसमें, देखिए ये प्रोसेस होता है कि जब कोई भी लिक्विड क्या होता है, पहले गैसेस फॉर्म में बनता है, ठीक है। लिक्विड क्या बनता है, गैस बनता है, कैसे, एवेपोरेशन से। और यही लिक्विड जब गैस बन जाता है उसके बाद क्या होता है, वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वो क्या दिखाई देती हैं, ड्रॉप्स दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये जो लिक्विड है जब एवेपोरेशन होगा तो ये क्या बन जाएगा, भाप में चेंज हो जाएगा, वेपर बन जाएंगी। लेकिन इसी के क्या होंगे, जब ये वापस से किस में चेंज होगा, जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो किस में चेंज होगा, ये वापस से लिक्विड में होगा, तो हम इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है, कि ये कंडेंस हो जाएगा, जो भी वेपर बना है वो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा और वापस से लिक्विड फेज में आ जाएगा। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि एक बार तो क्या हुआ, लिक्विड गैस में चेंज हो गया और फिर वापस से क्या बन गए, लिक्विड बन गया, ठीक है, कंडेंसेशन होने से, कंडेंस होने से। तो आप क्या देख रहे हैं, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है, क्या हो गया है, एक इक्विलिब्रियम हो गया है कि दोनों ही जो है स्टेट साथ साथ हो रही हैं, ठीक है, एक बार लिक्विड फिर से गैस, इस तरीके से हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये क्या हो जाता, तो ये क्या देखा हमने, वेपर एवेपोरेशन इन क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है, एवेपोरेशन इन क्लोज्ड कंटेनर। तो ये जो सब कुछ मैंने इसीलिए बताया है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, वेपर प्रेशर समझ में आए, क्योंकि एवेपोरेशन आपके सिलेबस में पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वेपर प्रेशर क्या है। तो देखिए कि अब हम समझते हैं वेपर प्रेशर को, कि ये जो लिक्विड है ये किस फॉर्म में आया, गैसेस फॉर्म में आया, गैसेस फॉर्म में आया, इसके क्या बन गए, वेपर्स बन गए। अब ये जो वेपर्स है ये एस्केप आउट नहीं कर सकती, ये बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि कंटेनर क्या है, क्लोज्ड है। तो ये क्या करेंगी, ये जो वेपर बनी है ये क्या करेंगी, अपना प्रेशर जो है, कुछ फोर्स जो है किसके ऊपर एग्जर्ट करेंगी, ये जो सरफेस है इसके ऊपर एक फोर्स, या फिर हम बोल सकते हैं प्रेशर को एग्जर्ट करेंगी। तो ये जो प्रेशर होता है ना, यही होता है वेपर प्रेशर, ठीक है, इजी है ना। क्या है, कैसे लिखेंगे आप इसको, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन यहाँ लिख देती हूँ, वेपर प्रेशर को मैं ऐसे डिनोट कर रही हूँ। सो वेपर प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ और लिक्विड और सॉलिड, ठीक है, कि ये जो लिक्विड है इसके ऊपर जो प्रेशर को एक्सर्ट किया जाता है इन वेपर के थ्रू, वो होता है वेपर प्रेशर। अब एक बात बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए, ये जो मैंने लिक्विड लिया है इसको मैंने नाम दिया है, इनके मॉलिक्यूल्स को क्या नाम दिया, इसको वन, ठीक है। तो ये जो लिक्विड है ये किसका लिक्विड है, प्योर लिक्विड वन है, ठीक है, ये प्योर लिक्विड वन है। तो अब देखिए इसका जो वेपर प्रेशर होगा, जो प्योर जो लिक्विड है ये प्योर ही है, इसके अंदर और कुछ नहीं मिला हुआ, ओनली वन लिक्विड है जिसको मैंने नाम दिया है, एक ही लिक्विड है, इसके सभी मॉलिक्यूल क्या है, वन 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 वन, ठीक है, इस तरीके से है। तो ये जो प्योर लिक्विड है इसके वेपर प्रेशर को मैं कैसे डिनोट कर सकती हूँ, इसके वेपर प्रेशर को मैं डिनोट कर सकती हूँ पी नॉट वन, ओके, पी नॉट वन। नॉट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, प्योर है, ठीक है, एक ही कंपोनेंट है, मतलब एक ही लिक्विड है ये पूरा, इसके अंदर कोई और लिक्विड मिक्स नहीं है या फिर कोई सॉलिड मिक्स नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है, प्योर लिक्विड।
तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, क्या है ये वेपर प्रेशर वीपी ऑफ प्योर लिक्विड वन, ठीक है, ये जो वन है लिक्विड वन, इसका नोट का मतलब है क्या, मीन्स प्योर, ओके, कौन सा लिक्विड है वन, ये जो वन लिक्विड है ये इसका प्योर सॉल्यूशन है, इसी का ये वेपर प्रेशर, ओके, ये आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो हम देखेंगे कि किसके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। तो फर्स्ट लिखिए, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन साइज और शेप ऑफ कंटेनर, कि किसी भी शेप का, किसी भी साइज का कंटेनर है उसके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, क्यों नहीं करता, क्योंकि वेपर प्रेशर डिपेंड करता है पर यूनिट एरिया जो होता है, ठीक है, उसका जो सरफेस एरिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए किसी भी कंटेनर की शेप या साइज के ऊपर डिपेंड नहीं। सेकेंड फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, सो वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपको पता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इट मीन्स क्या होगा, एवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, और जितना एवेपोरेशन होगा, जितना वेपर्स फॉर्म होंगी, ठीक है, इट मीन्स एवेपोरेशन का मतलब ही होता है वेपर फॉर्म होना, तो वेपर फॉर्म होना इंक्रीज हो जाएंगी, और जब वेपर इंक्रीज होंगी तो उनका जो फोर्स होगा लिक्विड की सरफेस पे वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर है इतना। तो देखिए इसका एक ग्राफ जो कि ड्रॉ करते हैं हम, इस तरीके से होता है, इधर होता है टेम्परेचर, सॉरी वेपर प्रेशर, और ये टेम्परेचर, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता चला जाता। अब जो थर्ड फैक्टर है उसको देखिए, तो थर्ड फैक्टर क्या है, थर्ड वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस, कि किस टाइप का सब्सटेंस है सॉल्यूशन में उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो देखो नेचर ऑफ सब्सटेंस का मीनिंग क्या है वो देखिए आप, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, ठीक है, विच हैज़ मोर वेपर प्रेशर, एक तो है H2O, ओके, एंड अनदर वन C2H5OH, क्या होता है ये, एथेनॉल, दोनों ही लिक्विड है लेकिन कौन ज़्यादा एवेपोरेट होगा, कौन कम एवेपोरेट होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये जो नेचर होगा ना उसी के ऊपर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। तो अब आप देख सकते हैं कि जो H2O होता है, वाटर होता है, उसमें कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बनाता है, ठीक है, इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, एंड जो ये है एथेनॉल, इसके अंदर ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो देखिए जब हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होते हैं इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स वो भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इस केस में सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसको इजीली ब्रेक किया जा सकता है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया और वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया, जिसकी वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, इवेपोरेशन इंक्रीज होगा इट मीन्स वेपर्स ज़्यादा बनेंगी, ज़्यादा जल्दी से बनेंगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा वेपर बनेंगी उतना ही वेपर प्रेशर होगा,
क्लियर है इतना? ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, मोर होगा, और इसका लेस। ठीक है, अब एक बात आपको समझ में आई होगी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, कि जितना फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतना ही वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये अब हम देखते हैं कि जो सब्सटेंसेस हैं वो उनके नेचर के बेस पे हम किस तरीके से उनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, किस बेस पे हम डिवाइड कर रहे हैं, नेचर के बेस पे। तो सब्सटेंस जो होता है उसको मैं टू टाइप से डिवाइड कर सकती हैं। किस तरीके से, फर्स्ट जो होगा वो होगा वॉलेटाइल, वॉलेटाइल सब्सटेंसेस, ओके, एंड नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। अब वॉलेटाइल क्या होता है, वॉलेटाइल वो होते हैं जो कि क्या हो जाएं, एवेपोरेट हो जाएं, इट मीन्स जो वेपर फॉर्म में चले जाएं। ठीक है, लेकिन नॉन वॉलेटाइल क्या होते हैं, जिनका हम बोल सकते हैं कि जो एवेपोरेट नहीं होते हैं, इनका जो प्योर वेपर प्रेशर जो होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, प्योर वेपर प्रेशर इनका ज़ीरो कभी नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, एवेपोरेट होते हैं, एवेपोरेट होते हैं तो इट मीन्स वे वेपर फॉर्म में बनते हैं। और देखिए, वेपर प्रेशर आप हमेशा किस में देखेंगे, कभी भी ओपन कंटेनर में नहीं देखेंगे, उसमें तो वेपर प्रेशर बनेगा ही नहीं। वेपर प्रेशर कब बनता है, जब कोई क्लोज कंटेनर होता है। ठीक है, तो उसी में आप देखेंगे, ये आप याद रखिए। तो देखिए, जो वेपर, जो वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, एक बात और, जो वॉलेटाइल जो सब्सटेंसेस होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो लिक्विड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वॉलेटाइल, एंड जो सॉलिड्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, क्यों होंगे, क्योंकि इनका जो है उनका जो वेपर प्रेशर होता है प्योर, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड क्या हो जाएगा, ज़ीरो, कि इनका वेपर प्रेशर होता ही नहीं है, ये वेपोरेट होते ही नहीं है नॉर्मली। ठीक है, तो इनका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब हम देखते हैं कि इसके जो एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, किस किस की हम बात करेंगे। तो देखो, जो लिक्विड होते हैं सब्सटेंसेस वो कौन कौन से होंगे, एग्जांपल मेथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH, ठीक है, एथेनॉल C2H5OH, एंड बेंजीन, इन्हीं के एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, इन्हीं से रिलेटेड क्या मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ठीक है, बेंजीन C6H6, टोल्यूइन, टोल्यूइन C6H5CH3, ठीक है, इस तरीके से ये लिक्विड के एग्जांपल्स। सॉलिड के एग्जांपल्स देखिए, सॉलिड के मोस्टली यही पूछे जाते हैं, यूरिया क्या होता है, इसका फॉर्मूला NH2CO, ओके, एंड ग्लूकोज, सुक्रोज, ठीक है, ये होते हैं, इनके फॉर्मूलाज देख लीजिए, क्योंकि आपको इनके मोलर मासेस निकालने हैं तो इनके फॉर्मूलाज भी याद कर लीजिए। ग्लूकोज होता है C6H12O6, एंड सुक्रोज होता है C12H22O11, ठीक है, तो इनके आपको मोलर मासेस निकालने होते हैं, इसलिए मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं साथ में। ठीक है, मोलर मासेस निकालने आते होंगे, मॉलिक्यूलर मासेस, ये जो भी एटम्स हैं उन सबके मासेस को क्या कर देना है, टोटल कर देना है, वो हो जाएगा इनके मॉलिक्यूलर मासेस। तो आप देख सकते हैं, जैसे यूरिया है उसका होता है 60, इसका होता है 180, एंड इसका 342, इस तरीके से इनके मोलर मासेस होते हैं, याद कर सकते हैं आप।
तो देखिए, ये जो आपको पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एवेपोरेट नहीं होते, उनकी टेंडेंसी नहीं होती है कि वो एवेपोरेट हों, ठीक है। इसलिए इसका जो पी नॉट लिखा है मैंने, ये क्या होता है, ज़ीरो, कि इनका जो प्योर जो सब्सटेंस है, सॉलिड है अकेला, ठीक है, उसकी क्या हो जाएगी, वेपर प्रेशर ज़ीरो। अगर हम किसी वॉलेटाइल के साथ इसको मिक्स कर देते हैं तो हो सकता है कि क्या हो जाए, एवेपोरेट हो जाए। लेकिन कौन एवेपोरेट होगा, कोई लिक्विड होगा उसके साथ हमने मिक्स किया है तो वही एवेपोरेट होगा, ये तो एवेपोरेट होगा नहीं सॉलिड तो, ठीक है। जब हम किसी के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये एवेपोरेट हो सकते हैं, अदरवाइज ये अपने आप में प्योर अगर स्टेट में है ना तो ये एवेपोरेट नहीं होंगे। इसलिए इनका जो प्योर का जो प्रेशर होता है ना, वेपर प्रेशर और प्योर कंपोनेंट जो भी है सॉलिड, उसका ये जीरो होता है। तो देखिए, अब तक हमने बहुत बेसिक बातें कर ली, आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। अब जो मेन टॉपिक है हमारा, वो अब शुरू होता है, ठीक है। मेन टॉपिक, मैं इसको स्टार लगा देती हूँ, ये अब हमारा शुरू हो रहा है, यहीं से न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो अब हमें देखना है कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे बनता है। आप सभी को पता है सॉल्यूशन कैसे बनता है, एक तो क्या होता है, सॉल्यूट होता है, और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। बहुत इजी है, आप सबको पता है ये, ठीक है। सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन, यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, आपको इतना भी पता है सॉल्यूट क्या होता है, जो कि जिसकी क्वांटिटी क्या हो, लेस हो, एंड जिसका अमाउंट ज़्यादा हो वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। और आपको ये भी पता है जो सॉल्वेंट है, जिसकी जो उसकी स्टेट है, वही स्टेट किसकी होगी, सॉल्यूशन की होगी, ठीक है। कि जो सॉल्यूशन है वो जिसकी स्टेट को गेन कर लेता है, ले लेता है, वो उसकी, वो क्या होता है, उसका सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो देखो, अब हमें क्या क्या पढ़ना है, हम बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ेंगे। 12th क्लास में आपके बाइनरी सॉल्यूशन है, मतलब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ठीक है, इसी तरीके से होंगे। तो देखिए, सॉल्यूशंस किस तरीके से बन सकते हैं, एक तो हो सकता है जो सॉल्यूट है वो क्या हो, लिक्विड फॉर्म में हो, सॉल्यूट क्या हो, लिक्विड हो, एंड जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट वो भी क्या हो, लिक्विड हो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, पहले हम यही देखेंगे, तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब दोनों ही वोलेटाइल हैं, लिक्विड लिक्विड हैं दोनों ही, तो ये दोनों ही वोलेटाइल हो गए। हमें क्या करना है कि देखो, हमें किस तरीके से सॉल्यूशन बनाने हैं, एक बार तो हम लिक्विड को मिक्स करेंगे लिक्विड में, ठीक है, मतलब जिसका सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड। एंड अनदर केस में हम क्या करेंगे कि जो सॉल्यूट होगा वो हम क्या ले लेंगे, सॉलिड ले लेंगे, उसको किस में मिक्स करेंगे, लिक्विड में मिक्स करेंगे, ठीक है, या फिर हम इसको क्या ले लेंगे, गैसियस फॉर्म में लेंगे, और इसको किस में मिक्स करेंगे, लिक्विड में, ठीक है। तो हमें ये पढ़ने हैं, क्लियर है। तो देखिए, ये क्या है, लिक्विड सॉल्यूट, एंड सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, वोलेटाइल सॉल्यूशन हो गए, दोनों ही क्या है, लिक्विड, दोनों ही क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। दूसरा जो सॉल्यूशन हमारा बनेगा वो क्या होगा, ये हम लेंगे सॉलिड, एंड जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, लिक्विड। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, और सॉल्वेंट की ही फेज को वो लेता है लिक्विड, सॉरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके के सॉल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है, वोलेटाइल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स। लिक्विड क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, आपको पता है, इट मींस सॉल्यूट भी क्या होगा, लिक्विड होगा, एंड सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा, ठीक है। तो अब देखिए, जो सॉल्यूट है उसको मैं मान रही हूँ टू, ओके, एंड जो सॉल्यूशन सॉरी सॉल्वेंट है उसको मैं मानती हूँ वन,
ठीक है, ऐसे मैं डिनोट करूंगी। ओके, बार बार सल्यूट या सॉल्वेंट को नहीं लिखेंगे, सॉल्वेंट की जगह हर बार वन लिखा हुआ मिलेगा एंड सल्यूट की जगह टू। ओके, तो देखो अब मैं शुरू करती हूँ। जैसे हमारे पास ये कोई एक कंटेनर है, ठीक है, क्लोज कंटेनर में ही देखेंगे, इतना याद रखिए, ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर प्योर लिक्विड है वन, ठीक है। इट मीन्स क्या है, इसमें क्या है, प्योर लिक्विड वन। ओके, तो अब आप बताइए इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको मैं कैसे डिनोट करूं। मैं इस तरीके से लिख सकती हूं, वेपर प्रेशर ऑफ वन नॉट, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट जो लिक्विड है उसका, मतलब जो वेपर प्रेशर है वो प्योर लिक्विड का है, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड वन। क्लियर है, लिखना आ गया, इसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड वन, ठीक है, ये हो गया। अब हम दूसरा लेते हैं कंटेनर, इसमें हमने लिया टू, ठीक है, जिसके अंदर कोई लिक्विड है उसको हम बोल रहे हैं टू, टू क्या है, सल्यूट है, इस तरीके से। ये किसका सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, ये प्योर, सॉरी, प्योर लिक्विड टू। ओके, तो इसका वेपर प्रेशर को हम कैसे लिखेंगे, पी नॉट टू, समझ गए इतना, कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड या फिर प्योर टू, कि जो प्योर लिक्विड है टू इसका। तो देखो जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ये कोई कंटेनर है, इसमें हमने क्या किया, इन दोनों को ही मिक्स कर दिया। ओके, तो इसमें इन दोनों के कंपोनेंट होंगे, ठीक है, वन टू, वन टू, इस तरीके से इन दोनों के ही कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, इनकी सरफेस पे भी, ठीक है। ये जो लिक्विड बना है इसमें दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होगा, दोनों लिक्विड्स का ही जो सॉल्यूशन बना है इसमें। तो देखो जो फेज जो वेपर्स बनेंगी, ठीक है, जो वेपर बनी है उसमें भी दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, दोनों ही वेपर फॉर्म में गए हैं, तो दोनों का वेपर फॉर्म में गए हैं, दोनों का ही वेपर प्रेशर भी होगा, जो कि कहाँ पे होगा, सरफेस के ऊपर। तो अब देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होने वाली है, ये प्योर फॉर्म में थे, कब थे, जब ये अकेले अकेले थे, अब क्या हो गए, मिक्स कर दिए हैं, मिक्स करने के बाद ये प्योर नहीं है, ठीक है। तो जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वन क्या हो जाएगा, उसको हम लिखेंगे पी वन। अब हम पी नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्योर फॉर्म में नहीं है, ठीक है। एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड टू क्या हो जाएगा, पी टू। अब ये जो पी वन एंड पी टू है ना, इनको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है। देखो सॉल्यूशन के अंदर ये दोनों प्योर नहीं है, पार्शियली प्रेजेंट हैं, दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है, दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वेपर प्रेशर में, इसका मतलब ये प्योर नहीं है, तो इनके जो प्रेशर होगा कुछ हिस्सा ही होगा, पूरी तरीके से कोई भी एक इनमें से पूरी तरीके से नहीं है, दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है, तो इसलिए जो प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल मीन्स कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट, ओके, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वन, ओके, एंड ये हो गया जो सेकंड लिक्विड होगा उसके लिए पार्शियल प्रेशर, इस तरीके से हम पी टू लिख देंगे, ठीक है। अब देखो जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, कि जो पार्शियल प्रेशर वन है वो पी वन जो फर्स्ट लिक्विड है उसका पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, कि ये जो कंपोनेंट है ये इसका पार्शियल प्रेशर है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है, उसके जो मोल फ्रैक्शन है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरीके से जो पार्शियल प्रेशर ऑफ टू है, जो ये टू लिक्विड है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसी के मोल फ्रैक्शन के,
टू पे, ठीक है, ये नोट कीजिए। अब आपने पढ़ा होगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने बोला था जो फर्स्ट वीडियो मैंने जब फर्स्ट वीडियो आया था उसी में मैंने बताया था कि मोल फ्रैक्शन ये जो भी टर्म्स आएंगी मोलारिटी मोलालिटी ये सब कर लीजिए, ठीक है। तो देखो मोल फ्रैक्शन जो होता है ना, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मैं यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ, नोट करते जाइए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड नोट करते जाइए। देखिए मैंने क्या लिखा, पी वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा वन, ये मोल फ्रैक्शन वन, ओके। एंड पी टू जो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा टू, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ जो कंपोनेंट है टू, ओके ये हो गया। तो देखो ये जो होता है यही होता है रॉल्स लॉ, रॉल्स ओके, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप बोर्ड क्लास में हैं तो ये क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर ओके, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। समझ गए इस बात को कि जो पार्शियल प्रेशर है ईच कंपोनेंट के, ईच मींस ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर है फर्स्ट कंपोनेंट का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसी के जो मोल फ्रैक्शन है उसके, जिसको हम डिनोट करते हैं जीटा वन से, ओके। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ जो सेकंड कंपोनेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसी के मोल फ्रैक्शन के, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं जीटा टू से, ठीक है। ये होता है रॉल्स लॉ, क्लियर है। देखिए इनका जो फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का वो हम देखते हैं, जो एक्स वन है जो जीटा वन है, ठीक है। ये जीटा वन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन, क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, कैसे निकालते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो उसके नंबर ऑफ मोल्स को हम ऊपर रखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, उसमें जितने भी कंपोनेंट हैं तो एन वन प्लस एन टू, ठीक है। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ वन। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ टू क्या हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखेंगे, ठीक है, एन टू डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू, क्लियर है। ये हो गए मोल फ्रैक्शंस, ओके। अब आपको एक बात और पता होगी, आपने पढ़ा नहीं है तो वीडियो को देखिए, मोल फ्रैक्शन वाले वीडियो को क्लियर कर लीजिए, क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, इनके ऊपर ही न्यूमेरिकल बनेंगे इसलिए मैं बोल रही हूँ। अब देखो जो टोटल होता है मोल फ्रैक्शंस का, कि जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में उनके फ्रैक्शंस हैं, टुकड़े हैं, जब उन सबको हम जोड़ देते हैं टोटल कर देते हैं तो उनका जो टोटल होता है वो वन के इक्वल होता है, ठीक है। जितने भी क्या है फ्रैक्शंस होते हैं उनका टोटल क्या होता है, वन। तो यहाँ पे जीटा वन प्लस जीटा टू इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। जितने भी फ्रैक्शन होते हैं मोल फ्रैक्शन होते हैं उन सब का टोटल वन के इक्वल। देखिए थोड़ा साफ साफ हम लिख लेते हैं जो हमने पढ़ा है रॉल्स लॉ, ठीक है। पी वन इट मीन्स पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। एंड पी टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा टू, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, इनका प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देना है। वो किस तरीके से करेंगे, इसके जब प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे के, ठीक है, ये इसी तरीके से सेम लिख देंगे, क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि जो के है उसकी वैल्यू निकालनी है, कि
ठीक है, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, सॉरी वन है। तो देखो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है, इसकी और इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ मानना है, देखिए जैसे लेट अस कंसीडर कंसीडर दैट इन सॉल्यूशन ओनली कंपोनेंट ऑफ वन प्रेजेंट, कि मतलब जो सॉल्यूशन है इसमें किसके कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, ओनली वन के, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं ओनली वन के, जो तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन भी इसी का होगा इसके अंदर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वन क्या हो जाएगा, वन की इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो टोटल क्या होता है मोल फ्रैक्शन का, जीटा वन प्लस जीटा टू वन के इक्वल होता है। अब हम बोल रहे हैं कि जो ये जो सॉल्यूशन है इसमें सिर्फ क्या है, वन ही है, वन के ही कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, तो इसका ही मोल फ्रैक्शन होगा टोटल जो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो जीटा टू होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये वन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। इतना समझ आया, अब देखो हमें क्या करना है, अब आप देखिए ये जो प्योर कंपोनेंट है, ठीक है, प्योर ही हो गया क्योंकि इसमें वन 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 इसी के कंपोनेंट प्रेजेंट है, इसी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इस सॉल्यूशन में बी है ही नहीं, तो जब कोई सेपरेट जो कोई लिक्विड होता है उसके अंदर हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर को या फिर वेपर प्रेशर को, तो वो क्या होता है वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट वन, ये हो जाएगा। देखो ये जो वैल्यू है ये हमें इसमें पुट करनी है, ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेती हूँ कि ये जीटा वन है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, जीटा वन की जगह वन, ठीक है, यहाँ से मैं वन लिख सकती हूँ, ओके। अब देखो यहाँ से समझते हैं कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा किसी भी सॉल्यूशन का, पार्शियल वेपर प्रेशर वो क्या हो जाएगा, पी वन, ठीक है, पी वन होता है। अगर मान लीजिए इसमें ये कंपोनेंट है तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, पी वन हम लिखेंगे, और ये क्या है, प्योर कंपोनेंट है ओनली, मतलब इसमें इसी के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, प्योर लिक्विड है, तो इसका ये जो प्रेशर होगा ये इसके इक्वल हो जाएगा, पी नॉट वन, ये हो जाएगा। ये दोनों इक्वल हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जब P1 इक्वल है P नॉट वन के तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ही इक्वल किसके हैं, K के, ठीक है, जो ये कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू इसकी जगह हम P नॉट यूज़ करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में किसको यूज़ करेंगे, P नॉट वन को, ठीक है, तो P2 जो होगा इसी तरीके से लिख लेंगे, वो क्या हो जाएगा, P नॉट टू, वो भी K के इक्वल होगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं हम यहाँ पे पुट कर देते हैं सिंपली, तो क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल्स टू पी नॉट वन जीटा वन, पी टू इज इक्वल्स टू पी नॉट टू जीटा टू, ठीक है, ये हो गया। अब हमें देखना है टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर कैसे होगा, कि जो ये पार्शियल वेपर प्रेशर हैं पी वन एंड पी टू, ठीक है, पी वन क्या है, नोट कर लीजिए, पी वन है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टू, ये है, ठीक है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वन, मोल फ्रैक्शन ऑफ टू, ठीक है, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड वन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड टू, ठीक है, इस तरीके से नोट कर लीजिए। अब हमें क्या देखना है, टोटल पार्शियल, सॉरी वेपर प्रेशर टोटल, तो पी टोटल ये क्या हो जाएगा, इन पार्शियल वेपर प्रेशर को हम जोड़ देंगे तो टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा P1 प्लस P2, ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर होते हैं, तो इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, P टोटल क्या हो गया, P1 नॉट जीटा वन प्लस P2 नॉट जीटा टू, ये हो गया। अब आप याद कीजिए ये क्या है, डाल्टन्स लॉ, ठीक है, डाल्टन लॉ। इसके बाद होंगे न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल हम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब हमने किस लिए किया, न्यूमेरिकल्स के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ओके।
तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। आई होप आपकी हेल्प हुई हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्टडी विद मी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। सो थैंक्स फॉर